अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रही है सीताफल की खीर, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 6 सीताफल, 200 ग्राम शुगर, 200 ग्राम खोआ। आप सीताफल अच्छे से पके हुए लें, इसे हम डिसीडेट कर लेंगे। इसके बीज निकाल लें आप, हमें इसे डिसीडेट कर लेना है। देखिए हाथ से अच्छे से आप इसके बीज निकाल लें, देखिए इस तरह से। मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 15 से 20 सैफरन के स्टैंड्स ऐड कर दूँगी। अब दूध को अच्छे से बॉयल होने दें, पका लें इसे जब तक ये हाफ ना हो जाए। दूध में एक बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें 1 कप शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालें। क्योंकि सीताफल भी मीठे हैं, अब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से लो फ्लेम पर पका लूँगी जब तक ये अपनी क्वांटिटी से हाफ ना हो जाए। इसका फ्लेम आप लो कर दें। मैंने यहाँ पर 1/2 कप ठंडा दूध लिया है, इसमें मैं 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर मिला लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे आप ठंडे दूध में ही मिलाएं, नहीं तो ये लम्स बन जाएंगे इसको। ये कॉर्नफ्लावर मिक्स रेडी है। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। पर मैंने खोआ लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा कुनकुना दूध ऐड करके इसे रख लूँगी, इसे जिसे खोआ अच्छे से मेल्ट हो जाए। फ्लावर और मिल्क, और ये खोआ और मिल्क दोनों रेडी है। 20 काजू, 20 बादाम और 20 पिस्ता लेकर इसे ग्राइंड कर दिया है, इसका पाउडर बना लिया है। यहाँ पर हमारा दूध अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी, जो कॉर्नफ्लावर और मिल्क का मैंने मिक्सर बनाया था। इसे आप आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करें। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। पर मैंने कॉर्नफ्लावर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें खोआ और दूध जो मैंने मिलाया है वो ऐड कर दूंगी। आप इसके बदले, खोए के बदले आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। इसे आप अच्छे से स्टर करें। आप खोए को दूध में मिक्स करके डालने से खोए में गुठलियां नहीं बनेंगी दूध में जाकर। खीर देखिए गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें काजू, बादाम, पिस्ते का पाउडर ऐड कर दूंगी। इसे आप अच्छे से पका लें। देखिए हमारी खीर गाढ़ी हो रही है। जब ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए, जब आप इसका फ्लेम ऑफ कर दें, हम इसमें ठंडा करके सीताफल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी खीर गाढ़ी हो गई है, अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाने दूंगी, ठंडा हो जाने दूंगी, तब मैं इसमें सीताफल ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने सीताफल को डिसीडेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी खीर भी ठंडी हो गई है, अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब मैं ये सीताफल इसमें ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी सर्व करने के लिए। आप इसे सर्व करने से पहले 2 से 3 घंटे तक फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में ठंडा होने के लिए। मैंने सीताफल की खीर को डिश आउट कर लिया है, इसे थोड़े से नट्स और खोए के साथ। आप इसे घर पर बनाइए, ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब के लिए लाइक करिए, शेयर करिए।